भगवान, जा तू यहाँ से, जा तू यहाँ से। मतलब लोग ऐसे करते हैं, हाय हाय गर्मी, हाय मैं भी गर्मी की बात कर रहा हूँ, गर्मी तो जा यहाँ से। लेकिन गर्मी अगर भाग सकती है तो उसके साथ कितने सारे ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे आपका हमने ऐसे कहा था कि हम आपको अपने खास मेहमान से मिलवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि गर्मी से इस समय दूर कैसे रहा जा सकता है, और वो भी आयुर्वेदिक में। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर रीना चोपड़ा जी हमारे साथ हैं और वो हमें बताने वाली हैं कि जो गर्मी गर्मी आप करते हैं ना, इससे कुछ ना कुछ निजात आप इस आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से पा सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात तो इतना अच्छा काम है कि आपको वो सारे के सारे उपाय पता है जो गर्मी दूर कर सकते हैं। तो प्लीज हमें भी बता दीजिए, क्योंकि सभी सुनने वाले ना आपका वेट कर रहे हैं कि उपाय कैसे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी से बचने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए जी। आजकल लोगों को कोई रूटीन नहीं है, किसी भी टाइम वो खाने बैठ जाते हैं, किसी भी टाइम नहाने बैठ जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जी। और आजकल 10 तरह के सनस्क्रीन लोशन आते हैं, उसकी किसी की जरूरत नहीं है। कईयों में रिसर्च प्रूव हो चुका है कि ये कैंसर काजिंग है। इसकी बजाय आप एक नेचुरल सनस्क्रीन लोशन है एलोवेरा, आप जाएंगे बाहर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सनस्क्रीन या कोई सन बर्न वगैरह, बल्कि उसकी हीलिंग करता है। और ऐसे ही कई डाइट्स में ऐसी चीजें हैं, जैसे प्याज का ज्यादा सेवन कीजिए, आम पन्ना लीजिए, एक गोंद कतीरा आता है, लस्सी पी सकते हैं आप, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जल भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जितनी भी नेचुरल ड्रिंक्स हैं वो बेस्ट हैं बॉडी को ठंडा रखने के लिए। तो रीना जी, मुझे लगता है मतलब लिक्विड की मात्रा जो है वो गर्मियों में बढ़ा देनी चाहिए, किसी किसी फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। हाँ, पानी भी ज्यादा से ज्यादा लीजिए। और जैसे ठंडाई है, ये आप पहले लोग घर बनाते थे, बादाम भिगो के, खसखस भिगो के, उसको काफी देर तक भूजते थे और फिर उसमें दूध डाल के वो पीते थे। मतलब रिजुविनेटिंग एंड फॉर कूलिंग द बॉडी। और आजकल ये जो उसका कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड आ गया है, डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक्स हैं, ये कोई कूलिंग नहीं करते बॉडी की, बल्कि एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं बॉडी के लिए, तभी लोगों को वेट गेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। और आइसक्रीम से भी कोई ठंडापन बॉडी में आता नहीं है। ये जो चीजें आपको मैंने बताई हैं, या फ्रोजन कर्ड जो मार्केट में आती है, उसकी बजाय खुद आप दही को लीजिए तो बेटर है। अच्छा, फ्रूट्स डाल के ले सकते हैं। जैसा आपने भी चीज में बताना चाहूंगी, लोग आजकल शेक्स बहुत लेते हैं समर में, कोई मैंगो शेक पी रहा है, कोई बनाना शेक पी रहा है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये बॉडी के लिए बिल्कुल गलत डाइट है। स्किन डिजीजेस आजकल हो रही है बिना बात के, लोग सोचते मुझे क्यों हुई, मिथ्या विरुद्ध आहार है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। अच्छा, हमें दूध के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं करना चाहिए दूध के साथ। और ये तो बहुत आम है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं। इसलिए आपको बताया है कि ये जो है गलत डाइट है। अरे, और कुछ चाय कॉफी अचार जंक फूड स्पाइसी फूड बहुत लेते हैं, कोई मतलब नहीं, गर्मी है कुछ है, आजकल बहुत ट्रेंड है जंक फूड लेने का। क्योंकि गर्मी तो बहुत अच्छे से देता है बॉडी को। और स्टीम प्रोडक्ट का ज्यादा सेवन कर सकते हैं। नहाने के लिए भी पानी में आप चंदन यूज कर सकते हैं, पहले लोग चंदन का बहुत यूज करते थे, शीतलता प्रदान करता है। जी 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 जी। नीम का पानी यूज कर सकते हैं, किसी भी इंफेक्शन बॉडी को बचाएगा। एक दो चीजें और है जो मैं बताना चाहूंगी, सिरके का यूज कम से कम करना चाहिए समर्स में। केचप सॉस कोई सोच भी नहीं सकता कि बहुत ज्यादा गर्मी करती है बॉडी में, बहुत ज्यादा टोमेटो केचप खाते हैं बच्चे। ऐसे ही पुदीने का यूज आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, दही लस्सी में भी डाल सकते हैं, वैसे भी नींबू डाल के उसकी ड्रिंक बना सकते हैं आप। ज्यादा वर्किंग आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन इतना है कि लोग बॉडी को ध्यान नहीं देते हैं, वो भी एक गर्मी का कारण है। अगर आप दोपहर को थोड़ा बहुत नैप ले सकते हैं, या कुछ ऐसे टाइमिंग्स को एडजस्ट कीजिए कि थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए तो आपको वैसे ही गर्मी कम लगेगी। कॉन्स्टिपेशन भी गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनका वैसे ही बहुत ज्यादा उनको गर्मी लगती रहती है। तो ये तो कितनी काम की चीजें आपने बताई हैं। बताना चाहूंगी मैं आपको, सत्तू के लोग पीते थे, वेरी कूलिंग ड्रिंक। एक शक्कर बहुत ठंडी होती है, पहले लोग पानी में शक्कर घोल के पीते होते समर्स में, मतलब वो आजकल तो लगे रही क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बेस्ट है, इट्स वेरी कूलिंग। कच्ची लस्सी जो गुरुद्वारा में बढ़ती है शरीर में, वेरी कूलिंग फॉर बॉडी। अच्छा, तो मतलब कितने सस्ती चीजें हैं और ये सारे के सारे तो घरेलू घरेलू मतलब आपने जैसे बताया था मैम कि कई सारे लोग बार बार नहाते हैं। हाँ, नहाते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूँ, ये दिनचर्या अगर फॉलो, जैसे सुबह उठिए, फ्रेश होइए, आप योगा वगैरह कीजिए, एक शीतली प्राणायाम आता है जो नेचुरली बॉडी को शीतलता प्रदान करता है, वो आप कीजिए समझ में।
उसके बाद आप नहाइए और फिर ब्रेकफास्ट कीजिए। कई लोग उठते ही अपना खा लेते हैं, फिर जब मर्जी नहाने चले जाते हैं, तो ये गलत रूटीन है। लेकिन आप बेटर है आप शाम को भी नहाना चाहें तो नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एसी का यूज बहुत ज्यादा भी कोई अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, फिटनेस होती है बॉडी में, बॉडी के पोर्स नहीं खुलते, विटामिन डी की कमी आजकल इंडिया में मेरे ख्याल 90% पॉपुलेशन को है। सही बात है, वो इसीलिए क्योंकि सन एक्सपोजर करना ही नहीं ना, कार में भी एसी, घर में भी एसी। हाँ बिल्कुल, और ये गर्म सर भी तो होते हैं, जैसे बाहर से आप आए एकदम से पंखा चला लिया, एकदम से एसी ऑन कर लिया, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है मुझे लगता है थोड़ा। मैं तो आपने जो बहुत अहम जानकारी दी है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे मेरे पास घर में एसी है नहीं और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैम दोनों चीज अच्छी है, दोनों आपके लिए अच्छी है। बचत और सेहत, हाँ ये रिफाइंड और ऑयल खाने का ट्रेंड है, ये भी गर्मी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, देसी घी और मक्खन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। अच्छा, आजकल जो हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं ना, वो भी उसका एक कारण है ये ऑयल खिलाना उनको बचपन से ही, बिकॉज देसी घी इज वेरी गुड फॉर ब्रेन एंड बटर, मतलब ये आप डाइट में से निकालिए मत। आजकल तो एलोपैथिक डॉक्टर ने भी कहना शुरू कर दिया है कि लिमिट में खाइए आप देसी घी, क्योंकि जॉइंट्स बजने शुरू हो जाते हैं फिर, नहीं तो अर्ली एज में। सही बात है, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, कितनी सारी जानकारी इतने कम समय में आपने मुझे दी, कि गागर में सागर भरने वाली बात। आपको तो यहाँ पर एक घंटे के लिए बुलाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बहुत सारी जानकारी आपको देने की पड़ेगी। थैंक यू सो मच मैम। हमसे मेरा नाम गलत बोला है, डॉक्टर रीना अरोड़ा है चोपड़ा। ओके, अरे इसके लिए मैं माफी है, और इसके लिए हम आपको, लेकिन अब चाहते हैं कि हम आप एक हमारे स्टूडियो में आप एक दिन आए, और उसके साथ आपकी जो अहम जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, तो डॉक्टर रीना अरोड़ा जो कि आयुर्वेदिक क्लिनिक से हैं हमारे साथ, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी, और इतनी मुझे लगता है कि हमारे सारे लिसनर्स को बहुत बहुत फायदा हुआ होगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जानकारी है, और सारी जो चीज, जब सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास घर में है, और देखो हम शेक ऐसे पीते हैं, और ये और देसी की तो हम कहते हैं ना डाइट कॉन्शियस हो गए, नहीं इस्तेमाल करना है। मैं सोचता हूँ जब मैं अपने किसी एक्सपर्ट से बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे देखो मेरे पास घर में एसी नहीं है, गाड़ी मेरे पास है नहीं, मैं पैदल का चलने वाला इंसान हूं, और उसके बाद थोड़ा सा जैसे और क्या बताया था उन्होंने, आप तो फिट एंड फाइन है, और मैं वो शेक वेक में कभी पीता नहीं हूँ। हाँ। मैं नींबू पानी ज्यादा पीता हूँ। अरे वाह, एकदम फाइन है ना। वैसे इस उम्र में मतलब इतना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हो गई है ना, वो मैं बड़ा ध्यान से चलता हूँ। छड़ी वगैरह लाया।